हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे स्टैंडर्ड मेंटेनेंस प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियल मोटर। यानी इंडस्ट्रियल मोटर में हम जो मोटर का पीएम करते हैं उसमें हमें जो उसकी एसएमपी क्या है, उसका स्टैंडर्ड मेंटेनेंस प्रोसेस क्या है और उस मेंटेनेंस कैसे करते हैं वो हम वन बाय वन सारे पॉइंट चेक करेंगे। तो सबसे पहले आप देख सकते हो ये हमारे पास एक चेक लिस्ट है जिसमें वन बाय वन सारे पॉइंट्स दिए गए हैं। ठीक है, तो चलिए हम नंबर वन पॉइंट देख लेते हैं और उसके बाद हम प्रैक्टिकली भी आपको बताएंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हो ये हमारे पास पूरा लिस्ट है जिसमें नंबर वन पे सबसे पहले आता है कोई भी मोटर का पीएम करने जाओ तो वर्क परमिट आपके पास होना चाहिए। ठीक है, और उसमें जो मोटर जिस मोटर का आपको पीएम करना है उसका टैग नंबर आपको वर्क परमिट पर क्रॉस चेक करना है। ठीक है, परमिट में जो आपका मोटर का टैग नंबर लिखा है वही टैग नंबर आपको फील्ड पे जाकर मोटर का टैग चेक करना है। ठीक है, उसके बाद दूसरा नंबर पर है आता है चेक द आइसोलेशन टैग ऑल एप्लीकेबल टर्म्स आर फील्ड करेक्टली एंड डिस्प्लेड ऑन स्विच गियर मॉड्यूल ऑफ मोटर हुज मेंटेनेंस हैज़ टू बी कैरीड आउट। यानी आपको आइसोलेशन टैग चेक करना है कि जिस मोटर का हमें पीएम करना है उस मोटर का जो एसएफई होता है वहाँ पे आइसोलेशन टैग लगा है या नहीं, उसको हमें चेक करना है। ठीक है, और उसका इक्विपमेंट का जो टैग नंबर है और लोटो में इक्विपमेंट का जो नाम है वो सही से लिखा है कि नहीं, वो भी हमें चेक करना है। ठीक है, उसके बाद जो लोटो का जो प्रोसेस होता है उसको अच्छी तरीके से प्रॉपरली फॉलो करना है। उसके बाद हमें जो हमें जिस मोटर का पीएम करना है वो किस प्लांट में है और वहाँ का टीबीटी यानी टूल बॉक्स स्टॉक्स के बारे में हमें पता होना चाहिए। ठीक है, और लोकेशन कहाँ पे है मोटर का वो भी हमें पता होना चाहिए। और फिर पांच नंबर पे आएगा कि ऊपर की जो चार पॉइंट है उसमें अगर आपको कुछ एबनॉर्मलिटी लगती है तो आपको तुरंत उस पर करेक्टिव एक्शन लेना है। ठीक है, अब हमारा जो मेंटेनेंस का काम है उसमें जो पॉइंट है वो आएंगे। इससे पहले क्या है कि मेंटेनेंस करने से पहले हमें कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है वो हमें अभी तक के पॉइंट में समझ में आया है। अब हम मेंटेनेंस किस तरीके से करेंगे मोटर का उसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले हमें जो मोटर है हमारी उसका टर्मिनल बॉक्स का जो कवर है और जो स्पेस हीटर का जो टर्मिनल बॉक्स का कवर है उसको ओपन करना है। उसके बाद टर्मिनल में जो केबल है हमारे उसका जो अगर टर्मिनेशन डैमेज नहीं हुआ है वो चेक करना है, कोई केबल ओवरहीटिंग तो नहीं हुआ है वो चेक करना है। हाँ, और एक बात कि मोटर की टीबी खोलने से पहले उसके ऊपर जो डस्ट है उसको अच्छी तरीके से साफ करना चाहिए। अगर आप डस्ट को साफ नहीं करोगे और टीबी ओपन करोगे तो फिर वो डस्ट टीवी में जा सकते हैं। इसके लिए टीवी खोलने से पहले आपको दस्त अच्छे तरीके से साफ कर लेना है। उसके बाद जो हमारा मोटर टर्मिनल है उसका टर्मिनल बॉक्स को ओपन करना है, उसके अंदर सारे केबल का कनेक्शन चेक कर लेना है, कहीं लूज कनेक्शन तो नहीं है, कोई केबल ओवरहीटिंग तो नहीं हुआ है, और जो हमारा टर्मिनल बॉक्स है उसके अंदर कोई भी मॉइस्चर या डस्ट हो उसको अच्छे कपड़े से साफ कर लेना है। ठीक है, उसके बाद टर्मिनल ब्लॉक की जो बूस्टिंग प्लेट है वो अगर डैमेज हुई है या कहीं से टूटी हुई है तो उसको हमें रिप्लेस कर देना चाहिए या उसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो टर्मिनल ब्लॉक है उसका केबल को और टर्मिनेशन और जो पूरी बॉडी है उसको अच्छी तरीके से कपड़े से साफ करना चाहिए। उसके बाद उसका जो पावर कनेक्शन है उसका टाइटनिंग हमें चेक कर लेना चाहिए। और ख़ास बात कि जो हमारी मोटर होती है उसका जो लोकल कंट्रोल स्टेशन यानी LCS उसको हमें ओपन करना है और उसका हेल्दीनेस चेक करना है, जिसमें NONC कॉन्टैक्ट इमरजेंसी स्विच उसको हमें चेक करना है और अगर कोई एबनॉर्मलिटी है तो उसको हमें ऑब्जर्व करना है। ठीक है, और उसको रेक्टिफाई करना है। उसके बाद कंडीशन ऑफ गास्केट ऑफ मेन एंड स्पेस हीटर टर्मिनल बॉक्स LCS यानी जो LCS है हमारा टर्मिनल मोटर का उसका गास्केट अच्छी तरीके से है या नहीं उसको चेक करना है। ठीक है, अगर कहीं से डैमेज है तो उसको रिप्लेस करना है। उसके बाद हमारा जो है
अर्थिंग, मोटर का जो अर्थिंग है उसको चेक करना है, मोटर का अर्थिंग का टाइटनेस जो है उसको चेक करना है। अगर टाइटनेस नहीं है तो उसको अच्छी तरीके से टाइट करना है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। उसके बाद हमारी जो मोटर है उसका जो कूलिंग फैन है उसको, फैन कवर को हमें ओपन करना है और अच्छी तरीके से उसको साफ करना है। और जो हमारा कूलिंग फैन है वो शाफ्ट के साथ सही पोजीशन पे लगा है वो हमें चेक करना है। उसके बाद मोटर का जो ग्रीसिंग पॉइंट है वो सही तरीके से है उसे हमें चेक कर लेना है, ठीक है। उसके बाद मोटर की पूरी बॉडी को हमें क्लीन कर लेना है। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि जो मोटर हमारी है उसका IR वैल्यू और WR वैल्यू हमें चेक करना है। IR यानी इंसुलेशन रेजिस्टेंस और WR यानी वाइंडिंग रेजिस्टेंस। तो जो हमें IR वैल्यू चेक करना है वो हमारा 500 वोल्ट का इंसुलेशन टेस्टर से हमें IR वैल्यू चेक करना है, ठीक है। तो IR वैल्यू से पहले हम वाइंडिंग रेजिस्टेंस के बारे में देख लेते हैं कि वाइंडिंग रेजिस्टेंस कैसे चेक करते हैं। तो हमारा जो टर्मिनल बॉक्स में जो हमारा कनेक्शन दिया गया है मोटर का, जो स्टार में हो सकता है, डेल्टा में हो सकता है, तो वहाँ से हम टर्मिनल जो है RY, YB और BR वन बाय वन तीनों टर्मिनल का हम WR चेक करेंगे। WR हमारा बैलेंस में आना चाहिए, यानी तीनों टर्मिनल का जो WR है वो सेम होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। उसके बाद हम IR वैल्यू भी हम चेक करते हैं, जिसमें इंसुलेशन टेस्टर 500 वोल्ट का होता है, उसकी मदद से हम 500 वोल्ट DC देते हैं और उसका IR वैल्यू हम चेक करते हैं। IR वैल्यू मिनिमम 2 मेगा ओम होना चाहिए LT मोटर्स के लिए, ठीक है। उसका एक सूत्र भी है जो आप डिस्प्ले पे देख सकते हो, जिसकी मदद से आपको पता चलेगा कि मिनिमम इसका कितना IR वैल्यू होना चाहिए, ठीक है। अगर आपकी मोटर हीटर रेजिस्टेंस है तो उसमें आपको फीडर साइज से मल्टीमीटर की मदद से हीटर रेजिस्टेंस भी चेक कर लेना चाहिए। और सारा आपका जो है PM ख़त्म हो जाए मोटर का, यानी आपकी मोटर का ये जितने भी पॉइंट है वो सारे ख़त्म हो जाए, उसके बाद आपको मोटर की आसपास जो भी वेस्ट है उसको अच्छी तरीके से हाउसकीपिंग कर लेना चाहिए और मोटर को पहले जो कंडीशन थी उसी कंडीशन में हमें छोड़ना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो हमारी वर्क परमिट है वो काम ख़त्म होने के बाद जो है वर्क परमिट को हमें रिटर्न कर देना चाहिए। और तो दोस्तों अगर आप मोटर PM करने जाओगे और इतने पॉइंट आप ध्यान रखोगे तो 100% आप काम अच्छी तरीके से कर पाओगे। तो चलिए मैं मोटा मोटा आपको फिर से एक बार बता दे रहा हूँ कि अगर आपको कहीं भी इंडस्ट्री में मोटर PM करने जाना है तो आपको कौन से पॉइंट ध्यान रखने हैं, जिसमें सबसे नंबर वन आपके पास वर्क परमिट होना चाहिए। वर्क परमिट में और फीडर साइड आपको क्रॉस चेकिंग कर लेना चाहिए कि जो मोटर का टैग है और जो परमिट नंबर है वो सही है या नहीं। उसके बाद आप लोकेशन पे जाओगे तो आपको मोटर का लोकेशन पता होना चाहिए। सबसे पहले आप जाओगे तो एरिया ऑपरेटर के आपको साइन करवानी है। उसके बाद TBT जो टूल बॉक्स टॉक्स है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, सेफ्टी के बारे में। सबसे पहले आप क्या करोगे कि मोटर बंद है या नहीं वो चेक करना है हमें, ठीक है, फील्ड में जाकर। उसके बाद हमें मोटर का जो है पूरा बॉडी है उसको क्लीन कर देना चाहिए। उसके बाद टर्मिनल बॉक्स ओपन करना चाहिए, उसमें सबसे पहले सप्लाई चेक कर लेना चाहिए कि सप्लाई तो नहीं आ रहा है। उसके बाद उसका लूज कनेक्शन और टर्मिनेशन चेक कर लेना चाहिए, हीटिंग तो नहीं है वो चेक कर लेना चाहिए। उसके बाद सबसे IR WR वैल्यू लेना चाहिए। IR वैल्यू हमें 500 वोल्ट इंसुलेशन टेस्टर की मदद से लेंगे और उसके में अलग से वीडियो बनाऊंगा कि कैसे हमें WR और IR वैल्यू लेना है। उसके बाद वाइंडिंग रेजिस्टेंस लेना है तीनों टर्मिनल का, RY, YB और BR का। वाइंडिंग रेजिस्टेंस हमेशा बैलेंस होना चाहिए, अगर बैलेंस नहीं है तो ये आपका गलत है। उसके बाद आपको LCS मोटर का जो उसको हेल्दीनेस चेक कर लेना चाहिए, NONC कॉन्टैक्ट इमरजेंसी स्विच सही से काम कर रहा है कि नहीं वो हमें चेक कर लेना चाहिए। और अगर आपका मोटर PM ख़त्म हो जाए उसके बाद आपको आसपास जो भी कचरा है हाउसकीपिंग कर लेना चाहिए, मोटर को पहले जैसी कंडीशन में रखना चाहिए, कैनोपी सही से लगाना चाहिए।
और जो उसका कूलिंग फैन है वो शाफ्ट के साथ सही से लगा है वो कि नहीं वो हमें चेक कर लेना चाहिए, और जो कूलिंग फैन है उसका जो फैन कवर है वो सही से लगा है या नहीं वो भी हमें चेक कर लेना चाहिए। तो इतने पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और मैं इसी तरह की इलेक्ट्रिकल के रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूँ, तो हमारे चैनल के साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।